शिवपुरी जिले के सेसाई रोड पर एक बस सोमवार को सुबह करीब 5 बजे हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में बस में सवार लोगों में से 2 की मौत हो गई। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और बातचीत कर स्वस्थ होने की कामना की। वहीं घायलों की चाय नाश्ते की तुरंत व्यवस्था की। हम आपको बता दें कि करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस ग्वालियर से साजापुर की ओर जा रही थी। इसी बीच शिवपुरी के सेसई रोड पर ओवरटेक करने की वजह से पलट गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। 24 लोग अभी भर्ती हैं, दो की डेथ, और जो 24 भर्ती हैं उसमें एक थोड़ा क्रिटिकल है, जिसका कि और बाकी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जो डॉक्टर साहब से बात हुई, और जो सामान्य घायल हैं बाकियों के भी टेस्ट वगैरह होने के बाद जो जो भी होगा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी मदद होगी, और जो हॉस्पिटल की तरफ से भी उनको। कितने लोग घायल हैं सर टोटल? 24 अभी घायल हैं, 4 और बाद में आए। पूरे यात्री कितने? 40 जी। योगेश शर्मा। आज सुबह आगे बस पलटी है सीसाई में, क्या कारण रहा बस? सर बस तो बढ़िया जा रही थी, लेकिन आगे जो ट्रक चला था ना उसका टायर पंचर हो गया था या बस्ट हो गया था, और उससे मैं गाड़ी का ओवरटेक करना हो रहा था। ओवरटेक कर दिया? हाँ, गाड़ी क्रॉस करने के लिए क्रॉस की तरफ। कहाँ से आ गए थे भैया? आप कहाँ से आए? लोग ग्वालियर में प्रोग्राम देख के आ रहे थे, जो मतलब सबकी तरफ से बनवासी जो रामायणी गोंडी रामायणी चल रही है, तो वो लोग हम लोग प्रस्तुत दे करके साजापुर जा रहे थे। रात में हम लोग वहाँ 6 बजे करीब निकल गए थे। कौन सी बस थी, क्या नाम था? बस तो कटियार वाली थी, हमने बस हायर की थी। 10 जिलों में हमें प्रोग्राम देना था, 10 से 11 जिलों में जी। तो 4 जिले हम कर चुके थे और जा रहे थे रास्ते में। सर हम लोग होंगे उसमें 37-38। घायल कितने हुए और मृत्यु कितने की हुई? सर 2 केसुअल्टी हुई है, एक ड्राइवर को, एक स्टूडेंट, और बाकी 14 से 15 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जी, बाकी लोगों को मामूली चोटें हैं। नाम क्या बताया? योगेश शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।